हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि इवोल्यूशन क्या होता है। मतलब हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़े थे। हेरिडिटी के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज में। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या होते हैं एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। सो लेट्स बिगिन। लेट्स टॉक अबाउट एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या होते हैं ये, हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये जो टर्म है इसमें जो एक्वायर्ड टर्म का मीनिंग होता है, एक्वायर्ड का मतलब ही यही होता है टू लर्न सम बेसिक स्किल्स। ओके, तो इस वर्ड का मीनिंग, जैसा मैंने कहा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू लर्न सम बेसिक स्किल्स। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम इसमें बात कर रहे हैं कुछ भी नया सीखने की, कोई भी नया बेसिक स्किल सीखने की बात कर रहे हैं हम, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज एन एक्वायर्ड ट्रेट। ओके, तो अब हम लोग जरा बात करते हैं जो हम लोगों ने अपनी जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना इवोल्यूशन में, उसके बारे में। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देयर वर वैराइटीज ऑफ बीटल्स, रेड बीटल्स थी ना। हम लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पे कुछ वैराइटीज थी बीटल्स की जिनको क्या हो रहा था, अच्छा फूड नहीं मिल रहा था। यही था हमारा सिनेरियो। तो उसमें क्या हो रहा था, जब खाना अच्छा नहीं मिल रहा था यानी कि फूड वॉज लेस, तो लेस अमाउंट ऑफ फूड था यानी लेस फूड। तो ये जब लेस फूड मिल रहा था इनको, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, पत्ते जो थे वो क्या हो गए थे, वो खराब हो गए थे। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थर्ड सिचुएशन। फर्स्ट में क्या हो रहा था, वहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्रोज थे जो ग्रीन बीटल्स को सेलेक्ट कर रहे थे। सेकंड में क्या हुआ था, बाय चांस फिनोमेना, एलिफेंट के फूट की वजह से क्या हुआ था, ब्लू बीटल्स जो थे वो सेलेक्ट हो गए थे। एंड द लास्ट सिनेरियो वाज जहां पे क्या हो रहा था, बीटल्स को ठीक से खाना नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनका जो फूड था यानी जो प्लांट्स लीव्स जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहे थे, उनका नंबर कम हो गया था या वो उनकी वैरायटी खराब हो गई थी। तो इन दैट सिनेरियो क्या हो रहा था, बीटल्स का साइज नॉर्मल से कम हो गया था, है ना। तो बीटल्स जो थे वो थोड़े छोटे छोटे हो गए थे देखने में, यानी स्टार्व्ड कंडीशन थी क्योंकि फूड कम था। तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, स्टार्विंग सिचुएशन, है ना, भूखे थे वो लोग, तो स्टार्विंग सिचुएशन थी। अब स्टार्विंग सिचुएशन थी तो उसमें क्या हो रहा था, इनका फूड जो था वो कम था, स्टार्विंग सिचुएशन थी, इस वजह से साइज ऑफ बीटल जो था वो क्या था, लेस हो गया था, स्मॉल हो गया था। ऑल राइट, तो यही सिचुएशन का एग्जाम्पल लेकर हम बात करेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने क्या बोला था कि जो ट्रेट्स होते हैं उनको उन्होंने ट्रेट्स नहीं बोले, उनको उन्होंने बेसिकली कैरेक्टर बोला। ट्रेट वर्ड फिर बाद में डिफाइन किया गया था। तो ये जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी आई कलर, दैट विल बी कॉल्ड एज कैरेक्टर, ठीक है। जैसे जो हमारी आंखों का कलर है, तो अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा आई कलर, है ना। तो अब आई कलर हमारा डिफरेंट टाइप का हो सकता है ना, बहुत सारे टाइप का आई कलर हो सकता है, तो उसको हम ट्रेट्स बोलते हैं। इसी आई कलर की वैरायटी को हम ट्रेट बोलेंगे, यानी जैसे अब आई का कलर ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, तो ये जो चीजें होंगी ना ये कही जाएंगी ट्रेट्स ऑफ आई कलर, ठीक है। तो इट मींस कैरेक्टर जो होता है एक ब्रॉडर टर्म है एंड ट्रेट्स जो होता है वो उसका स्मॉलर टर्म है। ओके, सो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को वापस से कंटिन्यू करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो इसमें क्या हो रहा था कि फॉर सर्टेन जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन, इसके बाद एक और जनरेशन या तीन जनरेशन तक, जब ये बीटल्स डिवाइड कर रहे थे तो इनको अच्छा खाना नहीं मिला। जब इनको अच्छा खाना नहीं मिला तो इनका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया। तो जब इनका साइज रिड्यूस हुआ तो क्या वो चेंज
फिर बाद में भी होगा, मतलब यानी जो रिड्यूस साइज है हमेशा क्या हर जनरेशन में वो रिड्यूस साइज के ही रहेंगे या फिर उनका साइज नॉर्मल भी हो सकता है? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब इनको फूड का अमाउंट, फूड एम्पल, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ फूड इनको पहुंचा दिया गया, मतलब सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड जब इनको दिया गया, इन दैट सिनेरियो क्या देखा गया कि जो बीटल का साइज था वो क्या हुआ, वो वापस से अपना नॉर्मल साइज में रिगेन कर लिया बीटल ने, यानी कि वो फिर से बड़े बड़े हो गए। तो साइज जो है इस कंडीशन में क्या हुआ, साइज नॉर्मल हो गई। तो इससे, इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है, दिस एग्जाम्पल ऑफ बीटल्स जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उससे हमें क्या पता लगता है कि जब स्कैर्सिटी ऑफ फूड थी तो साइज छोटा हुआ, जब नॉर्मल फूड प्रोवाइड किया गया तो साइज नॉर्मल हो गया। दैट मीन्स ये जो ट्रेड था ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं हुआ, है ना, ये उसी जनरेशन तक था जब तक की सिचुएशन वैसी नहीं थी, जब तक फूड अच्छा नहीं था। जब फूड अच्छा मिला, सिचुएशन नॉर्मल हुई, बीटल्स का साइज भी नॉर्मल हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये ट्रेट वन जनरेशन से नेक्स्ट में पास ऑन नहीं हुआ। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो से फॉर एग्जांपल हम माइस ले लेते हैं, ठीक है, एक माइस है। हमने क्या किया, लेबोरेटरी कंडीशन में मान लीजिए एक नहीं हम मल्टीपल माइस ले लेते हैं। तो ये जो माइस है हमने क्या किया, बेसिकली इन लेबोरेटरी, ये माइस है, ठीक है, इन लेबोरेटरी, इनसाइड एक लेबोरेटरी हम इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। इस माइस की हमने पूंछ को काट दिया, ठीक है, यहां से इसकी पूंछ को यहां पर भी, यानी यहां भी कट लगा दिया और यहां भी कट लगा दिया। तो ये जो माइस थी इसका टेल क्या हुआ, गायब, टेललेस हो गई ना ये, इस जनरेशन के लिए तो टेललेस हो गई। तो यहां पर भी टेललेस माउस हो गई, तो यहां पर भी ये माइस जो है ये टेललेस हो गई, छोटी पूंछ हो गई इनकी। तो आपको क्या लगता है कि ये माइस जब आपस में फिर से रिप्रोड्यूस करेंगी, मान लीजिए कि हम इनको ही मेल और फीमेल वर्जन को यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल हम इनको क्या कर रहे हैं, मेटिंग करा देते हैं इनकी, ठीक है, यहाँ पे जब इनकी मेटिंग होती है तो हमें नेक्स्ट जनरेशन यानी नया जनरेशन मिलेगा माइस का। तो आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो माउस जो है उनका क्या होगा, उनकी भी पूंछ नहीं होगी, ऐसा लगता है आपको? तो ये आपको गलत लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर था जो सिर्फ इस जनरेशन के लिए हुआ ना, इस जनरेशन में उसकी पूंछ कट गई, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन में इनको माउस मिलेगा वो क्या होगा, बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल पूंछ वाला माउस होगा। तो यानी इस वाले सिचुएशन में क्या था, इनकी टेल लेस यानी टेल नहीं थी और यहां पे टेल वॉज प्रेजेंट। दैट सजेस्ट कि ये जो फीचर था माइस के पूंछ काटने वाला जो फीचर था वो हमने सिर्फ इस जनरेशन में किया, बट नेक्स्ट जनरेशन में टेल है। तो दैट मीन कि ये ट्रेट जो है, ये जो कैरेक्टर है टेललेस वाला, ये नेक्स्ट जनरेशन को नहीं पास ऑन हुआ ना, क्योंकि ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि हम जिन चीजों को सीखते हैं, टू लर्न अ बेसिक स्किल, या फिर ये होता है कि जिसको हमने अपने एनवायरमेंट से अकॉर्डिंग टू नीड उसको सीखा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने गिटार बजाना सीखा, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे जो है वो भी गिटार बजाना सीख के ही पैदा होंगे, ऐसा नहीं होता है। दे हैव टू लर्न थिंग्स, यू नो। उसके अलावा अगर मान लीजिए मैं पढ़ने में अच्छी थी या मैं बास्केटबॉल खेलने में अच्छी थी, इसका जरूरी नहीं होता मतलब कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो भी बास्केटबॉल खेलने में उतना ही अच्छा होगा जितने अच्छे हम थे, राइट? तो यानी ये जो ट्रेड्स हैं जो हम यहाँ सीख रहे हैं, हम शूलेस बांधना जानते हैं, हम खाना बनाना जानते हैं, ये ट्रेड्स हमने यहाँ सीखा है। तो जो चीजें हम सीखते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेड्स, ओके। जो चीजें हम पास ऑन करते हैं, हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं, हमारे पेरेंट्स के थ्रू आता है, यानी सीखने वाली बात नहीं है। अब मैंने अपनी मदर से अगर कुकिंग सीखी है, दैट डजंट मीन कि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, वो तब भी एक्वायर्ड ही होगा। ऑल दो मैं अपने पेरेंट्स से ही सीख रही हूँ, बट मैं उसको सीख रही हूँ, वो मुझे मिले नहीं है। मेरी आईज का कलर, मेरे फादर की आई का कलर ब्राउन है, मेरे मदर की आईज का कलर क्या है, ब्लैक है, बट मेरी आईज का कलर भी ब्लैक है। इट मीन्स
कि मुझे इनहेरिटेड क्या मिला, ब्लैक आई कलर, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ ना। ऐसे ट्रेट्स जो हमें अपने पेरेंट्स से पास ऑन होकर मिलते हैं उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिफरेंशिएट इन बिटवीन द टू ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ऑलराइट, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि हम वी लर्न दीज स्किल्स। ठीक है, ये स्किल्स हम खुद सीखते हैं। ठीक है, ये हमें नेचर से नहीं मिला, दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ऑलराइट, ये हमने यहां सीखा है, दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी पास्ड ऑन। इसको हम दिस कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी हम इसको नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये क्योंकि ये इनहेरिटेड है, इट मींस कि हमें ये पिछले जनरेशन से मिले हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं दे कैन बी पास्ड ऑन, दीज ट्रेट्स कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। अगली जनरेशन को हम इसको पास ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि अब इससे एक बहुत अच्छा आप इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, वो क्या कि ये हम पास ऑन नहीं कर सकते जनरेशन टू जनरेशन, और वो हम पास ऑन कर सकते हैं। जब हम इनको पास ऑन कर सकते हैं, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि हम जो भी चीजें पास ऑन करते हैं, हमने बात की थी क्रोमोसोम्स की, हमने बात की थी जीन्स की और डीएनए की। तो हमने क्या कहा था, डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटीरियल, वो जेनेटिक मटीरियल के तौर पे काम करता है। तो वो जो जेनेटिक मटीरियल है वो कहाँ था, वो जो क्रोमोसोम्स हैं, ये था ना डीएनए से बना हुआ क्रोमोसोम था। इसके ऊपर जो हमारा फंक्शनल स्ट्रेच होता है, कोई भी एक फंक्शनल स्ट्रेच है, उसको हम क्या बोलते थे, ये एक जीन है। तो हमने क्या बोला था कि पास ऑन कौन होता है, पास ऑन तो जीन ही होता है ना, पास ऑन तो डीएनए ही होगा ना, इट मींस तो क्रोमोसोम के फॉर्म में ही तो पास ऑन होता है ना। तो इट मींस इनहेरिटेड ट्रेट्स का ये मतलब नहीं होता है कि वो सिर्फ पुराने वाले ही ट्रेट्स को पास ऑन करते। हो सकता है कोई एक नया ऐसा फीचर हमने इनहेरिट किया हो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन के थ्रू, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। तो हम जब भी हमारे अंदर कोई चेंज होता है, कोई अडेप्टेशन होती है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको हम अपनी बॉडी में अडेप्ट कर लेते हैं। तो वो धीरे धीरे वे टाइम जो होता है वो हम क्या करते हैं, वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। That means कि यहाँ पे जो change होता है, change जो है, यानी कि ये जो change और inheritance जो होता है, वो किसका होता है? DNA का, है ना? Occurs for DNA, यानी ये DNA की वजह से pass on हो रहा है ना? क्योंकि इसमें जो change है, वो DNA के level पे हो गया है। यहाँ पे जो change है, That is change is not present, not is important, not present at the level of DNA. यानी इसमें जो changes हैं वो DNA के level पे नहीं हैं. This is very important. यानी इसमें जो कुछ भी changes हैं वो DNA के level के नहीं हैं. That's why हम इनको pass on नहीं कर पा रहे next generation को. लेकिन इसमें जो भी changes हैं वो कहाँ हो रहा है? For DNA हो रहा है, DNA के level पे हो रहा है, इसलिए हम इनको pass on कर सकते हैं। And अगर हम इनके example की बात करें, तो जैसे अगर simplest example मैं आपको बताऊं इसका, तो playing basketball, ठीक है, या फिर टेललेस माइस वाला जो एग्जाम्पल लिया हमने वो हो सकता है, बीटल का एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर लर्निंग टू प्ले
गिटार दैट कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिकॉज ये जो है ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है. वेयर एज जैसे आई का कलर, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो हो सकता है ब्राउन आई कलर. कोई भी आई का कलर, आप कोई भी आई का कलर एग्जाम्पल में दे सकते हैं इसमें. इसके अलावा हाइट, ये भी हमें क्या होता है, पेरेंट से मिलता है. तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर टू डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्वायर्ड एज वेल एज इनहेरिटेड ट्रेट्स. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर समझ आया होगा. बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. डू फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल विद द सेम पेज नेम, दैट इज एस पाठशाला. एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.